हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। तो सभी दोस्तों का स्वागत है मेरे चैनल पे दोबारा से। और आज हम आए हैं, अभी मैं फिलहाल बिरदी की तरफ हूँ, और चलिए आगे बिरदी में जो है टट्टे इडली का मज़ा लेते हैं और मैं आपको बताता हूँ और आगे का क्या प्लान है, हम कहाँ पे जा रहे हैं, ये तो थोड़ा आपको सरप्राइज़ है, ये तो वेट करना पड़ेगा। तो आप मेरे साथ बने रहिए, तो मैं आगे आपको मैं बताता हूँ हम कहाँ पे जा रहे हैं। तो आज की मेरी राइड में मेरे दोस्त भी साथ में आए हैं, जो डांडीगणा हल्ली डैम के जो साथ में मेरे साथ थे अमीन, वो भी आज मेरे साथ राइड पे आ रहे हैं। तो चलिए चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं आगे का नज़ारा, और अभी तो पेट पूजा करते हैं, बाद में दूजा, ठीक है। चलिए देखिए, श्री शिवा दर्शनी शशि टट्टे इडली, और ये फेमस है यहाँ की बिरदी में टट्टे इडली के लिए। और आप देख सकते हैं बहुत सारे साइकिलिस्ट यहाँ पे आए हैं, और ये भी यहाँ पे जो है रुककर ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। ये देखिए कितने सारे हैं, वाकई यार ये इन लोगों की स्टैमिना की दाद देनी पड़ेगी, तारीफ करना पड़ेगा। चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं अंदर का नज़ारा। चलिए क्राउडेड। देखिए हमारा नाश्ता आ गया है, ये टट्टे इडली और उसके साथ वड़ा, बिरदी वड़ा। और जैसे मैं बताया था पहले भी, हमारा अमीन भाई को भूख जल्दी लगती है, तो पहले ही शुरू कर दिए, मुझे मेरे लिए वेट भी नहीं कर रहे, तो शुरू कर लिए ये लोग, प्रूफ है मेरे पास। तो चलिए मैं भी जो है शुरू कर लेता हूँ, और मिलते हैं खाने के बाद, ठीक है। चलिए तो दोस्तों हमने ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर लिया है यहाँ से, तो चलते हैं अगली डेस्टिनेशन की तरफ, और मैं बताता हूँ वहाँ पे क्या है। तो अभी नहीं बताऊँगा हम कहाँ जा रहे हैं, तो वहाँ पे चलते हैं पहले, और मैं वहाँ से आपको बताता हूँ कहाँ पे जा रहे हैं, ठीक है। तो डिलीशियस टट्टे इडली हमने खाई, बहुत मज़ा मिला खा के, आप भी आ सकते हैं यहाँ पर। और एक टट्टे इडली का प्राइस है 25 रुपये, तो हमने अगर दो ले रहे हैं तो ये 50 25 रुपये। तो हाँ, तो मैं क्या बता रहा था, एक इडली 25 रुपये, अगर आप दो खा रहे हैं तो 50, और उसके बाद वड़ा, ठीक है। चलिए दोस्तों, ये देखिए यहाँ का एंट्रेंस है, और यहीं पे वल्चर सेंचुरी भी बोलते हैं, यहीं पे एंट्री टिकट भी है, यहाँ से हमें ऊपर की तरफ जाना होता है, कार बाइक वगैरह लेके आराम से ऊपर जा सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों हम आ गए हैं अभी रामादेवरा बेट्टा, और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये यहाँ पे एक मंदिर है, तो वहाँ से सीढ़ियों से हमें जो है ऊपर की तरफ जाना है। तो उससे पहले यहाँ पे वल्चर इंफॉर्मेशन सेंटर करके यहाँ पे कुछ है, वहाँ पे चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं वहाँ पे क्या है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे क्या है, देखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए ये देखिए इंफॉर्मेशन सेंटर, तो चलिए अंदर की तरफ चलते हैं और देखते हैं यहाँ से क्या है। वाओ, ये देखिए वल्चर का जो इन्होंने डमी बनाया है किस तरह से, ये देखिए है ना खूबसूरत। तो बेसिकली देखा जाए तो ये इंडिया की एक ही वल्चर सेंचुरी है जो यहाँ पे है, शायद इंडिया में और कहीं भी ये चीज है ही नहीं। और यहाँ पे इसकी इंफॉर्मेशन है, ये देखते हैं चलिए क्या क्या है, एक्सप्लोर करते हैं। भालू वगैरह भी होंगे शायद, लेपर्ड भालू वगैरह यहाँ पे इन्होंने मेंशन तो किया है। तो दोस्तों ये देखिए, ये जो है ये इजिप्शियन वल्चर है, और ये जो है इंडियन टाइप वल्चर है, ये देखिए बहुत खूबसूरत सा ये इन्होंने बनाया है डमी। तो चलिए अगर देखते हैं, अगर हमें ऊपर पहाड़ पे अगर रियल में अगर देखने का मौका मिलता है तो वो भी देखेंगे, क्योंकि चांसेस कम ही है,
क्योंकि इस टाइम पे जो है नॉर्मली ये इंटीरियर अंदर की तरफ चले जाते हैं, तो पता नहीं, चलिए देखते हैं, अगर नसीब में हो तो अगर वो भी दिख जाएगा, अगर नहीं तो फिर क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और ऊपर से पहाड़ का नज़ारा देखते हैं। ठीक है, चलिए। तो ये देखिए दोस्तों, जिस तरह से एंट्रेंस है यहाँ पे, ठीक है, तो हमें एंट्रेंस से यहाँ से होके ऊपर की तरफ जाना होगा। ये देखिए किस तरह से एंट्रेंस है यहाँ पे। चारों तरफ ग्रीनरी अच्छी है और ऊपर से देखना, ओह माय गॉड, बहुत स्टीप है भाई, देखना पड़ेगा और कितनी आगे दूर है, देखते हैं। चलिए, तो दोस्तों आप देख ही सकते हैं किस तरह से स्ट्रीप क्लाइम है। ठीक है, तो सांस भी फूल रही है, तो मैं यही सजेस्ट करूँगा, आराम आराम से आइए, थोड़ा रिलैक्स इन बिटवीन करते हुए आराम से ऊपर की तरफ चढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इतना ज़्यादा स्ट्रेस आउट करने की ज़रूरत नहीं है, आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे किस तरह से स्ट्रिप ये जो सीढ़ी है अभी वो नज़र आ रही है, और थोड़ा आगे 150 स्टेप्स, ऑलमोस्ट 150 स्टेप्स हो गए हैं। चलो थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। तो मेरे साथ जो मेरे दोस्त आ रहे हैं अमीन, वो स्टेप्स काउंट कर रहे हैं आपको बोलने के लिए। देखो कितनी सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए कलेक्ट कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ की एंट्री फी है 24 रुपीज़ पर हेड, और पार्किंग के लिए अलग से 200 स्टेप्स 10 रुपीज़ चार्ज करते हैं। तो ये मुझे बता रहे हैं कि अब तक हमने 200 स्टेप्स कर चुके हैं, तो शायद आगे और होने चाहिए। तो मैंने आपको एंट्री फ़ी बता दी, और टाइमिंग है सवेरे अप्रॉक्सीमेट 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक एंट्री टाइमिंग है। और मेक श्योर कीजिए, ताकि आप यहाँ पे आ रहे हैं तो एनवायरनमेंट का ख्याल रखिए। ठीक है, वेलकम बैक दोस्तों। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे रामदेवरा बेट्टा का जो नज़ारा है पीक पे, यहाँ से इस तरह से नज़र आता है, आप देख सकते हैं मेरे पीछे, बहुत खूबसूरत नज़ारा है। और यहाँ पे आने के लिए ना अच्छा खासा गट्स चाहिए और स्टैमिना चाहिए। मैं क्यों इस तरह से बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे पीक पे आने के लिए थोड़ा रिस्की वाला रास्ता है, मैं आपको बताता हूँ, आप देख के समझ ही सकते हैं किस तरह यहाँ पे आना मुश्किल है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट दोस्तों। ये देखिए किस तरह से ये बनाया है स्ट्रक्चर, और ये देखिए नीचे किस तरह से ये सीढ़ियाँ नीचे की तरफ जा रही है। ये देखिए लोग कैसे किस तरह से उतर रहे हैं, दिख रहा है आपको, बहुत रिस्की है यहाँ पे ऊपर चढ़ के आना, बहुत ज़्यादा रिस्की है। और जो भी एज पर्सन है या बच्चों को लेकर आना चाहते हैं, उनके लिए तो मैं मनाही करूँगा, क्योंकि ये सेफ़ नहीं है, आपने थोड़ी सी भी गलती की तो आप नीचे गिर सकते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं एक भाई नीचे किस तरह से आहिस्ता आहिस्ता उतर रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिस्की है यहाँ पे आना, ऊपर चढ़ के आना। ठीक है, मैं कैप्चर तो करना चाहता था, मगर मेरे दोनों हाथ जो है वो
इस बार को पकड़ के ऊपर आने की तरफ लग रहे थे, तो कैमरा मैं होल्ड नहीं कर सका। ठीक है, तो प्लीज़ अवॉइड कीजिए यहाँ पे पीक पे आने का। पीक से नीचे का भी व्यू बहुत अच्छा है, ठीक है, आप वहाँ से भी देख के आप मज़ा ले सकते हैं। ओके, तो ज़रूरी नहीं यहाँ पे आप ऊपर ही आए और यहाँ का मज़ा लें। मैं बस आ गया और आप देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा, ये कंप्लीट रामनगर सिटी आगे नज़र आ रही है, सावन दुर्गा नज़र आ रहा है। ठीक है, वहाँ पे आप दूर से अगर देखें तो सावन दुर्गा नज़र आ रहा है और साथ ही साथ मेंचिन बले डैम वो भी नज़र आ रहा है। अगर आपने मेंचिन बले डैम का वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन लिंक में ऊपर जो आ रहा है उसको आप देख सकते हैं, और जो मैंने कवरअप किया मेंचिन बले डैम वो भी आप देख ही सकते हैं, वो भी बहुत खूबसूरत जगह है, आप जाके देख सकते हैं। मेरा वीडियो देखिए, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो रामदेवरा बिट्टा से ये व्यू का नज़ारा यहीं पे ख़त्म करते हैं और आगे भी देखते हैं क्या है, और भी बहुत सारे जगह जो है एक्सप्लोर करना है, आपको दिखाना है, तो चलिए चलते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए।